वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, या इनफैक्ट अभी गुड आफ्टरनून हो गया है, लाइव लेक्चर्स में है, तो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ आपके SYJC यानी कि 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स के लिए। आप सब 12th स्टैंडर्ड में आपने काफ़ी मेहनत करी, मेहनत करने के बाद में आपने एग्जाम्स भी दिया और अब आपका रिजल्ट आ गया है, तो उस रिजल्ट के लिए मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने शायद मुझे परफेक्टली, क्योंकि अभी तो बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, सो इतना क्लियर आइडिया नहीं मिल पाता है, थोड़ा सा बच्चों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, बट आप लोगों ने अपने ऑनलाइन एडमिशंस की प्रक्रिया पूरी कर ली होगी, कॉलेज में एडमिशन सिक्योर कर लिया होगा। अब कॉलेज कब स्टार्ट होगी उसका आइडिया नहीं है, शायद कुछ के ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट हुए भी होंगे और कुछ के शायद बाकी होंगे स्टार्ट होना, बट वॉट एवर द केस में भी हमारा जूनियर कॉलेज खत्म हो गया, अब हम डिग्री कॉलेज में आ गए हैं। अब डिग्री कॉलेज ये शब्द जब सुनते हैं ना, तो थोड़ा सा दिमाग में एक डिफरेंट सा फीलिंग आता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना, व्हेन दे कम टू डिग्री कॉलेज, दे गेट ए चेंज इन देयर एटीट्यूड कि अब तो मैं डिग्री यानी कि मैं सीनियर स्टूडेंट हो गया हूं, और पढ़ाई की तरफ उनका थोड़ा सा ध्यान कम हो जाता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भले ही आप डिग्री कॉलेज में आ गए हैं, फाइन, सीनियर स्टूडेंट की बात ही एक अलग होती है, बट आपको अब जरा समझदारी से अपनी पढ़ाई की तरफ भी ध्यान रखना है। नो डाउट यू एंजॉय योर लाइफ, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स वगैरह सब कुछ अपनी जगह पर है, बट स्टडी ऑल्सो इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू हैव टू डिवोट टाइम टू योर स्टडीज ऑल्सो। FY BCOM में आपको अकाउंट्स का सब्जेक्ट होगा, मैथ स्टेट्स का सब्जेक्ट होगा, मैथ स्टेट्स कंपलसरी है FY BCOM में, इकोनॉमिक्स होगा, इकोनॉमिक्स के बाद बाकी के जो सब्जेक्ट्स है, वैसे इकोनॉमिक्स भी थियरी है, बट इसके अलावा भी आपको कुछ और थियरी के सब्जेक्ट्स है। इन और थियरी के सब्जेक्ट्स में आपको एक तो होगा बिजनेस कम्युनिकेशंस और दूसरा होगा फाउंडेशन कोर्स यानी के FC। अब ये जो बिजनेस कम्युनिकेशंस है, ये किताब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये बिजनेस कम्युनिकेशंस की किताब है। दिस बुक इज फॉर सेमेस्टर 1। अब मैं आपको ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि FY BCOM ऑनवर्ड्स अब आपका सेमेस्टर वाइज रहेगा। FY BCOM में आपका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 होगा, जब आप SY BCOM में जाएंगे तो सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 होगा, और TY BCOM में जब आप जाएंगे तो सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6, यानी कि कुल मिलाकर के इन 3 वर्षों में डिग्री कॉलेज में आपको 6 सेमेस्टर होंगे, हर साल के लिए एक सेमेस्टर, सॉरी 2 सेमेस्टर हर साल के लिए, सो ऑल टुगेदर 6 सेमेस्टर। बट आप ये भी जानते हैं कि 2020 का साल थोड़ा सा विचित्र ही साल है, साल की शुरुआत में ही मार्च के महीने में हम देखते हैं कि कोरोना के प्रॉब्लम से हम लोग उलझ गए हैं। पहले तो बहुत जबरदस्त लॉकडाउन था, अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है। कॉलेजेस की क्या स्थिति रहेगी कोई आइडिया नहीं है, कब कॉलेजेस के फिजिकल लेक्चर से स्टार्ट होंगे उसका भी आइडिया नहीं, ऑनलाइन लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, बट मेन समस्या यह है कि सिलेबस कितना होगा इसकी आइडिया अभी तक नहीं आई है। मींस सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों में इस तरह की एक एक किताब होती है। यह किताब सेमेस्टर 1 की है, दिवाली के पहले की, लेकिन दिवाली के पहले तो कॉलेज ही स्टार्ट नहीं होगी, तो यह किताब कितनी क्या होगी और सेमेस्टर 2 के लिए अलग किताब होगी या पोर्शन कट डाउन किया जाएगा, अभी तक इसका कोई क्लियर आइडिया नहीं। नाउ वन थिंग दैट आई वांट टू से इज कि डिग्री कॉलेज में बहुत सारे बच्चे स्टडी की तरफ लैक्स हो जाने की वजह से वो केवल कुछ एक सब्जेक्ट्स पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं,
जैसे अकाउंट्स हो गया भी, मैथ्स टेक्स डिफिकल्ट है तो मैथ्स टेक्स के ऊपर ध्यान देंगे, लेक्चर्स रेगुलरली अटेंड करेंगे, और इकोनॉमिक्स हो गया, बाकी के सब्जेक्ट्स पे वो कम ध्यान देते हैं। बट मैं आपको एक बात इसमें बताना चाहता हूं कि FY BCom ऑनवर्ड्स आपको एटी केटी वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। एटी केटी का मतलब होता है अलाउड टू कीप टर्म, यानी कि सपोज 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट में से अगर आप 3 सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं और 3 सब्जेक्ट में पास नहीं होते हैं तो भी आपको FY BCom में भेज दिया जाएगा। और ये जो 3 सब्जेक्ट जिसमें आप फेल हुए हैं उसकी आपको दोबारा से एग्जाम देने का आपको चांस दिया जाएगा। दैट इज एटी केटी, दैट मीन्स आपको टर्म के हिसाब से आगे भेज देंगे, लेकिन आपको जिन सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं उसकी एग्जाम दोबारा देनी पड़ेगी। अब मुझे नहीं लगता है कि आप किसी सब्जेक्ट में फेल होना चाहोगे। मेरी सलाह यही है कि जो थियरी के सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप लाइक सोच लेते हो, मन में एक धारणा बना लेते हो कि अरे ये तो मेरे लिए आसान है, इसको तो मैं इजीली बाद में रीड करके भी कर लूंगा, तो ध्यान रखना कि अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल हो गए तो आपकी मार्कशीट में एटी केटी लिख के आएगा और आपकी फिर FY BCom के लिए 2 मार्कशीट हो जाएगी जो कि आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए अच्छी नहीं रहेगी। सो बेस्ट है कि आप सारे सब्जेक्ट्स पर ध्यान दो, सारे सब्जेक्ट्स पर ध्यान देने के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर अटेंड करो और सब सब्जेक्ट्स में पास हो जाओ, सिंगल मार्कशीट अच्छा आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस आएगा। तो एंड में जैसे अगर आपने देखा होगा इसी साल TY BCom की फाइनल ईयर की एग्जाम होगी या नहीं होगी अभी तक नहीं हो पाई है। हो सकता है कि यूनिवर्सिटी उनकी एग्जाम फाइनल सेमेस्टर की ना ले तो सर उनको मार्क्स कैसे देंगे? जो पिछले 5 सेमेस्टर में उन्होंने एग्जाम्स दी है उसका एवरेज मार्क्स उनको 6th सेमेस्टर में दिया जाएगा। अब ऐसे में अगर कोई बच्चा FY BCom के किसी सब्जेक्ट में फेल हुआ है तो उसका एवरेज कम हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई सभी सब्जेक्ट्स FY BCom में ध्यान दें, सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर अटेंड करें और कोशिश यही रहनी चाहिए कि आपको किसी सब्जेक्ट में केटी ना आए, आप सभी सब्जेक्ट्स में पास हो जाएंगे तो एकदम स्मूथली आपका काम चलता रहेगा। अदरवाइज हायर स्टैंडर्ड में जाने के बावजूद भी आपको पिछले स्टैंडर्ड की पढ़ाई करनी पड़ेगी जो कि और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, बिकॉज व्हेन यू गो टू ए हायर स्टैंडर्ड पिछला या पुराना पोर्शन करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जिन सब्जेक्ट्स पर बच्चे कम ध्यान देते हैं उनमें केटी लग सकती है। तो मैं आपके सामने एक सब्जेक्ट लेके आया हूं, आप में से कुछ मुझे जानते होंगे जो SP के स्टूडेंट रहे होंगे 11th और 12th में, वो मुझे जानते होंगे, बट जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो मुझे नहीं जानते हैं। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि मेरा नाम उमेश शर्मा है और FY BCom में मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन का जो सब्जेक्ट है वो सिखाऊंगा, बिजनेस कम्युनिकेशन SP का ही एक्सटेंशन है ये सब्जेक्ट, बट ज्यादा डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव है और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब इस सब्जेक्ट के सिलेबस का मैं अगर आपको आइडिया दूं कि भाई ये सब्जेक्ट के सिलेबस में क्या मुझे सिखाया जाएगा, इसमें सबसे पहले आपको सिखाएंगे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है। लाइक बेसिकली इसके अंदर आपको मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन के साथ साथ आपको सिखाएंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कि भाई जब मैं कम्युनिकेट करता हूं तो उसकी प्रक्रिया या प्रोसेस क्या होता है, कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, दैट इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन कि भाई कम्युनिकेशन का महत्व क्या है। देखो सीधा सिंपल लॉजिक है कि आज की तारीख में कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। देखो पूरी दुनिया बंद पड़ी हुई है लॉकडाउन में,
लेकिन लोग फिर भी घर पर बैठ करके अपने लैपटॉप के जरिए काम कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि इसके बिना आज की तारीख में हमारी लाइफ चल ही नहीं सकती है। देखो, मैं फिजिकल लेक्चर नहीं ले रहा हूं, लेकिन इस आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं आप तक पहुंच रहा हूं, अपना लेक्चर आप तक पहुंचा रहा हूं। सो बहुत ही महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। साथ साथ में कम्युनिकेशन के जो डिफरेंट मॉडल्स डेवलप हुए हैं, उन मॉडल्स के बारे में आपको बताया जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिकली कम्युनिकेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसके अलावा बिजनेस कम्युनिकेशन में इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अनेबल्ड कम्युनिकेशन के बारे में भी आपको सिखाएंगे। सी, टुडे वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी। आज टेक्नोलॉजी बेहद ही डेवलप हो चुकी है और कम्युनिकेशन के लिए आज की तारीख में हम टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत जोरदार तरीके से डिपेंड करते हैं। कभी सोचा नहीं था, आई स्टार्टेड टीचिंग इन 1992, 28 ईयर्स हो गया मुझे टीचिंग करते हुए, आपकी उम्र से ज्यादा, मोर देन योर एज आई एम टीचिंग, 28 ईयर्स। 28 वर्षों में मैंने क्लासरूम के अंदर सिखाया। मैंने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि मुझे खाली क्लासरूम में सिखाना पड़ेगा, ऑनलाइन लेक्चर कंडक्ट करना पड़ेगा, लेकिन कंडक्ट कर रहा हूं और ये लेक्चर कंडक्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए हम कम्युनिकेट करते हैं। सोशल मीडिया हमें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। फेसबुक का हम इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, फेस टू फेस कॉलिंग के लिए हम स्काइपे का इस्तेमाल करते हैं, जूम ऐप के जरिए हम मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं, गूगल मीट के जरिए हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक साथ अपना लेक्चर्स पहुंचा सकते हैं। ये सारा टेक्नोलॉजी अनेबल्ड कम्युनिकेशन है इन विच वी आर मेकिंग यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ फेसबुक, आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ व्हाट्सएप, गूगल मीट, ऑल दीज आर टेक्नोलॉजी अनेबल्ड कम्युनिकेशंस। इनके मीनिंग के बारे में आपको बताया जाएगा। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन एट वर्कप्लेस। ये बेहद महत्वपूर्ण है। हम जब काम की जगह पर जाते हैं तो वहां पर हम अकेले नहीं हैं, हमें कई लोगों के साथ मिलके काम करना पड़ता है। और जाहिर बात है, जब हम इतने सारे लोगों के साथ मिलके काम करते हैं तो हमें उनके साथ इंटरेक्ट या कम्युनिकेट भी करना पड़ता है। अब इंटरेक्ट या कम्युनिकेट करना वर्कप्लेस पर, तो इसमें आपको दो महत्वपूर्ण चीजें सिखाई जाएंगी। कम्युनिकेशन एट वर्कप्लेस में एक तो आपको सिखाया जाएगा कम्युनिकेशन के चैनल्स, दैट इज चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशंस। अब चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन में साधारण तौर पर दो चैनल्स हैं। वन इज द फॉर्मल चैनल एंड द अदर इज द इनफॉर्मल चैनल। औपचारिक तरीके से भी हम कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन काम की जगह पर सब कुछ औपचारिक या फॉर्मल नहीं होता है। हमारे पर्सनल रिलेशंस भी होते हैं काम की जगह पर, उसके लिए हम इनफॉर्मल चैनल का इस्तेमाल करते हैं, बातचीत करने के लिए, दोस्ती बढ़ाने के लिए, फ्रेंडशिप करने के लिए इनफॉर्मल चैनल्स यूज किए जाते हैं। इसी के अंदर अपार्ट फ्रॉम चैनल्स आपको मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन भी सिखाया जाएगा कि भाई
कम्युनिकेशन करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं? सर, कम्युनिकेशन करने के लिए दो मेथड्स का इस्तेमाल होता है, एक होता है वर्बल और दूसरा होता है नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें हम शब्दों का और भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कि वी मेक यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस टू कम्युनिकेट। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि इंसान इतना अकलमंद प्राणी है कि वो सिर्फ शब्दों के जरिए कम्युनिकेट नहीं करता है, नॉन वर्बल यानी कि बिना भाषा के, बिना शब्दों के प्रयोग के भी वो कम्युनिकेट करता है, इशारों के जरिए। सिंबल्स हैं, पोस्टर्स हैं, साइंस हैं, साउंड है, ये सब नॉन वर्बल तरीके हैं कम्युनिकेट करने के, जिसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। आज कार चलाने वाला किसी रास्ता क्रॉस करने वाले को किस तरह से कम्युनिकेट करेगा? गाड़ी रुका के नहीं, वो हॉर्न बजाता है। ये जो साउंड है, उस साउंड के जरिए हम रास्ता क्रॉस करने वाले को सतर्क करते हैं, अलर्ट करते हैं कि भाई तू संभाल के क्रॉस कर, मेरी गाड़ी निकलने वाली है। सो दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर कुछ एक कॉन्सेप्ट्स आपको जानना जरूरी है। एक है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। सी, कम्युनिकेशन बेहद महत्वपूर्ण है। अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करें तो हमारा काम आसानी से और अच्छे से हो जाता है, लेकिन कई बार कम्युनिकेशन में रुकावट या बाधा आ जाती है, किसी किस्म का अवरोध या डिस्टर्बेंस आ जाता है, एंड दैट इज नोन एज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ये बैरियर्स कौन कौन से हैं, यानी कि कम्युनिकेशन में क्या रुकावट। फिर एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि मैं और आप अभी ऑनलाइन लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं। मान लो इस ऑनलाइन लेक्चर के दौरान यदि नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपके और मेरे बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप मुझे देख नहीं पाओगे या आप मुझे सुन नहीं पाओगे। दैट इज बैरियर टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में होने वाली रुकावट। कौन कौन से बैरियर्स हैं और उन बैरियर्स को कैसे दूर किया जा सकता है, वो आपको सिखाएंगे। एंड देन देयर इज वन टॉपिक एज लिसनिंग स्किल्स। सुनना ये एक बहुत बड़ी कला है या स्किल है। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने के ऊपर नहीं होता है, बोलने के साथ साथ सुनने के ऊपर भी होता है। जैसे फिलहाल अभी मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हैं। जितना ध्यान से आप सुनेंगे, आप मेरी बातों को उतने ही अच्छी तरीके से सुन करके सीख पाएंगे, उतनी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और इसीलिए ये लिसनिंग स्किल्स का कॉन्सेप्ट है, बिकॉज बोलना जितना जरूरी है कम्युनिकेशन में, उतना ही जरूरी सुनना भी है, लिसनिंग स्किल्स। फिर इसके अलावा आपको इस सब्जेक्ट के अंदर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि बिजनेस में लिखे जाने वाले लेटर्स हैं, कि भाई बिजनेस के लिए जब मैं लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजता हूँ किसी सप्लायर को, तो इंक्वायरी लेटर कैसे लिखा जाता है, ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाता है, अगर मान लो गुड्स डिफेक्टिव है तो कंप्लेंट का लेटर कैसे लिखा जाता है, ये बिजनेस के लेटर्स आपको कराए जाएंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूं और वो ये है कि इमर्जेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन ग्लोबल कॉर्पोरेट, आज हम इंटरनेशनल लेवल पर अपने बिजनेस को कंडक्ट करते हैं। वी आर इन ए ग्लोबल वर्ल्ड, पूरी दुनिया एक बड़ा सा मार्केट है। इस वर्ल्ड मार्केट में कम्युनिकेशन बेहद जरूरी है। आज अगर एक बिजनेस फर्म अपने प्रोडक्ट को दुनिया भर में बेचती है, तो अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुली बेचने के हिसाब से उसे कम्युनिकेशन करना जरूरी है।
ये जो ग्लोबल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम कम्युनिकेशन करते हैं, ये तीन अलग अलग लेवल पर होता है। एक मार्केटिंग के लेवल पर, दूसरा सेल्स के लेवल पर, और तीसरा आफ्टर सेल्स लेवल पर। मार्केटिंग लेवल पर ये जो होता है कम्युनिकेशन, ये ग्राहक के साथ, होने वाले ग्राहक के साथ प्रोडक्ट बेचने से पहले का कम्युनिकेशन है। और ये कम्युनिकेशन हम करते हैं एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी के रूप में। आज कंपनियां अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट दिखाती है, इस एडवर्टीजमेंट के जरिए कंपनी अपने प्रोडक्ट की जानकारी पब्लिक तक पहुंचाती है। दैट इज कम्युनिकेशन विद द पब्लिक, मार्केटिंग लेवल पर एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी। जितनी अच्छी एड आप बनाएंगे, उतना ही लोगों को आप अपने प्रोडक्ट के प्रति आकर्षित कर सकेंगे, अट्रैक्ट कर सकेंगे। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी के साथ साथ आता है सेल्स के समय में किया जाने वाला कम्युनिकेशन। सेल्स के समय में किया जाने वाला कम्युनिकेशन कौन करता है? सेल्समैन करता है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो कस्टमर को कन्विंस करे टू परचेज द प्रोडक्ट। यहां पर अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत जरूरी है, तो ही आप कस्टमर को कन्विंस कर पाओगे, उसके सभी डाउट्स को क्लियर कर पाओगे। कहते हैं कि एक सेल्समैन को बोल बचन अमिताभ बच्चन होना चाहिए। जितनी अच्छी तरीके से बोलेगा, उतना ही कस्टमर को कन्विंस कर पाएगा। लेकिन प्रोडक्ट बेच देने के बाद आफ्टर सेल्स कम्युनिकेशन आता है, क्योंकि हम जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वॉशिंग मशीन है, एयर कंडीशनर है, फ्रिज है, टू व्हीलर है, कार है, इन सारे प्रोडक्ट्स को वारंटी के साथ बेचा जाता है। अगर उस पीरियड में कस्टमर को प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है, तो वो कंपनी को कॉल करेगा सर्विस के लिए, रिपेयर के लिए। उस वक्त आता है आपका आफ्टर सेल्स सर्विस का कम्युनिकेशन। ऐसा माना जाता है कि जो कंपनी आफ्टर सेल्स सर्विस के वक्त ग्राहक के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करती है, वो कंपनी दुनिया को जीत सकती है। बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, प्रोडक्ट को बेचने के टाइम पे मीठी मीठी बातें करेगी, लेकिन एक बार प्रोडक्ट बिक गया, फिर उसके बाद में वो आफ्टर सेल्स पर ध्यान नहीं देते हैं, ग्राहक से ढंग से बात नहीं करते हैं। अगर आपने आफ्टर सेल्स कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं किया, कस्टमर दोबारा जिंदगी में आपका प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदेगा, और दूसरों को भी मना करेगा। जो कंपनी आफ्टर सेल्स में ग्राहक के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करती है, वही कामयाब हो सकती है, दुनिया को जीत सकती है। सो दैट इज इमर्जेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन ग्लोबल कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जहां पर तीन लेवल पर आपको कम्युनिकेट करना है दुनिया के साथ। और इसमें आपको मार्केटिंग, सेल्स एंड आफ्टर सेल्स, तीनों कम्युनिकेशन का ख्याल रखना है। एक आखिरी बात, Today I am just giving an introduction lecture. We are not starting with the syllabus. एक आखिरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किसी भी जॉब के लिए न्यूज़पेपर वगैरह में अगर आप कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह देखते हैं, क्लासिफाइड कॉलम के अंदर एड आता है जॉब का, तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ होता है कि कैंडिडेट मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, या कैंडिडेट मस्ट बी गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स। यानी कि आज की तारीख में कोई भी कंपनी जब जॉब का एडवर्टीजमेंट देती है, तो वो यही चाहती है कि भाई कैंडिडेट जो भी अप्लाई करेगा, उसके पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए ही हम जीवन में कामयाब हो सकते हैं, इसलिए ये बिजनेस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस सब्जेक्ट के जरिए आपको बिजनेस के कम्युनिकेशन के बारे में और बिजनेस में लिखे जाने वाले लेटर्स, ईमेल्स के बारे में, क्योंकि टेक्नोलॉजी अनेबल्ड में आजकल कागज के लेटर्स की बजाय
बिजनेस लेटर्स ईमेल के जरिए भेजे जाते हैं, तो किस तरह से आप फ्लुएंट हो सकते हैं, एफिशिएंट हो सकते हैं कम्युनिकेशन में, वो उसके लिए ये सब्जेक्ट है। आगे चल करके प्रैक्टिकल बेस में बहुत काम में आएगा ये। सो इफ यू आर गुड एट कम्युनिकेशन यू विल बी सक्सेसफुल। इसमें एक 12th स्टैंडर्ड का रिपीटेड चैप्टर है, वो मैंने इधर लिखा नहीं था, एक टॉपिक है अगर आपको ध्यान में होगा 12th स्टैंडर्ड में, दैट इज बिजनेस एथिक्स। 12th स्टैंडर्ड के OC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के अंदर आपने ये बिजनेस एथिक्स के बारे में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चैप्टर था, उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले चैप्टर में आपको बिजनेस एथिक्स के बारे में बताया था कि भाई एथिक्स क्या है, ब्रांच है सोशल साइंस का जो आपको बताता है क्या सही है और क्या गलत है। ये बिजनेस एथिक्स का टॉपिक क्यों डाला है, क्योंकि जब हम बिजनेस करते हैं, व्हेन वी आर डूइंग बिजनेस, तो हमें नैतिक मूल्यों का यानी कि मॉरल वैल्यूज का ख्याल रखते हुए बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में बहुत कुछ गलत हो रहा है। ये गलत कौन कर रहा है? ये गलत बिजनेस करने वाली कंपनियां ही कर रही है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कस्टमर्स को गलत सलत प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अपनी एडवर्टीजमेंट में झूठे दावे करते हैं, एंड दैट इज वाई वो बिजनेस एथिक्स का कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड। ये आपका सेमेस्टर 1 का सिलेबस रहेगा, सेमेस्टर 2 का क्या होगा अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। यूनिवर्सिटी शायद कुछ दिनों के अंदर कुछ तो भी सॉल्यूशन लेकर के आएगी, बताएगी 1 और 2 दोनों होगा, या 1 और 2 मिला करके थोड़े थोड़े टॉपिक्स होंगे, या सिर्फ 1 होगा सिर्फ 2 होगा, दैट दे विल। तब तक नेक्स्ट लेक्चर जब हम मिलेंगे, आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट, क्योंकि एटलीस्ट आपको अगर बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन का मीनिंग और प्रोसेस तो जानना ही है, ये तो रहेगा ही रहेगा, इसको तो हटाएंगे नहीं, क्योंकि सब्जेक्टिव वही है बिजनेस कम्युनिकेशन। सो नेक्स्ट लेक्चर व्हेन वी विल मीट, वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए आप इसका इंट्रोडक्शन ध्यान में रखें कि क्या आपका सिलेबस है, स्टे होम स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।